हाँ तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे लाइन की जो पोजीशन है वो किस कंडीशन में है, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जो इससे पॉजिटिव केस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये है कि क्या 21 दिन बाद रेलवे लाइन चलेगी। तो मैं चाहता हूं कि रेलवे लाइन को ज़रूर चलना चाहिए, या फिर सरकार के द्वारा 2, 4 या 10 ट्रेनें इस पेपर होनी चाहिए, चलानी चाहिए, जिससे जो भी दोस्त और जो भी भाई इस समय बाहर हैं अपने घर से काफ़ी दूर, तो उनको घर आने में दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर बात करने वाले हैं 21 दिन के लॉकडाउन का, तो ये लॉकडाउन आपका 14 अप्रैल तक के लिए है, और 14 अप्रैल से अगर आप 15 अप्रैल की बात करें, तो अगर IRCTC की वेबसाइट हम जाके देखते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी 15 अप्रैल के बाद है, 14 अप्रैल से आगे बोल देंगे, 15 अप्रैल से बुकिंग स्टार्ट है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बुकिंग स्टार्ट रहेगी और बहुत सारे दोस्तों इसे टिकट को बुक कर सकते हैं। मगर अगर ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो इंडिया के पर्सन ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये रेलवे लाइन और ज़्यादा दिन के लिए बढ़ जाएगी। जो इस समय 21 दिन का लॉकडाउन है, तो 15 अप्रैल से जो बुकिंग होनी थी इसके आगे ही बुकिंग ये स्टॉप कर देंगे, या फिर आप स्टॉप हो ही जाएगी। तो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए बुकिंग ना करें अभी, क्योंकि बुकिंग होने के बाद ही ये पूरी जानकारी होगी। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में एक लाइक और कमेंट्स में कोई चीज़ आप बता सकते हैं, जिसका मैं सुझाव मैं आपको वीडियो के अगले वीडियो में दे दूंगा।